तो ये एक्सरसाइज वन सेक्शन ए का पहला प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, है ना। पहला प्रॉब्लम देखो जरा क्या कह रहा है बेटा। हाँ मोटे पढ़, क्वेश्चन नंबर वन पढ़ फटाफट, इसको पकड़ लेना बेटा। हाँ बोल, उस चेयर को इधर डाल दे मेरे पास। क्या कह रहा है बोल फटाफट, देखो जरा क्या कह रहा है। हाँ बोल। हाँ ये क्या कह रहा है कि भाई यदि रूट्स दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं 10, 30, अल्फा दिया गया है, क्या बेटा बैठ जा 10, 30 एंड बीटा दिए, बैठ जा बैठ जा, अरे बैठ जा गेंडे 10, 15। तो अल्फा दिया गया है और बीटा दिया गया है, दो रूट्स दिए गए हैं और इक्वेशन दी गई है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू इक्वल टू जीरो और अल्फा बीटा रूट्स है, ठीक है ना बेटा। ये अपना डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना, एक्सरसाइज वन का, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो बेटा आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ऑफ 2 + q - p इक्वल टू, ठीक है भाई। 10, 30 degree कितने होते हैं, तो अल्फा हो जाएगा 1/√3 और बीटा कितना हो जाएगा 2 - √3, कल लिखवाया था ना, है ना, याद है ना। अभी क्या करना है, इससे इक्वेशन बना दो, कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू, तो इनका सम करवाओ कितना आएगा, इधर सम कर लेते हैं कोप्चे में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/√3 प्लस का 2 - √3, रूट थ्री एलसीएम ले रहा हूँ, 1 + 2√3 माइनस का 3, सही चल रहा है, तो हो जाएगा 2 कॉमन ले रहा हूँ, √3 - 1/√3, ठीक है। अब क्या चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट भी निकाल लो, 1/√3 2 - √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों 2/√3 माइनस का 1, सही है, 2/√3 - 1, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, अरे बोलो ध्यान रखना भाई गड़बड़ ना हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है 2√3 - 1√3 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 2/√3 - 1 इक्वल टू 0। एक बात बताओ क्या पूछा आपने से, क्या पूछा, 2 + q - p, ठीक है, बड़ा अटपटांग आ रहा, नहीं उटपटांग नहीं आ रहा तुम्हें, नहीं लग रहा, ठीक है मुझे बताओ यहाँ से इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, अपने को वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अपन ने ज़्यादा काम कर लिया इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो, माइनस बी अपॉन ए कितना है, माइनस का पी, इक्वेशन नंबर 1, अल्फा इंटू बीटा क्या है कितना है क्यू, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया, ये निकल के आया, बोलो इसमें रख देते हैं तो क्यू अल्फा प्लस बीटा, तो अपने को क्या है, अपने को निकालना है 2 + q - p इक्वल टू 2 + q कितना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस पी, क्या बेटा
माइनस पी, माइनस पी कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, सही है। माइनस पी की जगह तो रखा मैंने, कुछ गलत किया, ठीक है। तो टू प्लस, ये अपन ने गलत काम कर दिया, इतना टाइम लग गया 30 सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आया, रूट थ्री माइनस वन प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, टू रूट थ्री माइनस टू अपॉन रूट थ्री, खोल दिया। रूट थ्री एलसीएम ले ले, बोलो लो यार, मुझे आंसर में मजा क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर में आंसर थोड़ी निकलना रहता। टू रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, ये टू रूट थ्री हो जाएगा फोर रूट थ्री, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का टू, ठीक है। इधर वाला मैंने जोड़ दिया डायरेक्ट, ये हो गया ऊपर, चलो ये हो गया थ्री रूट थ्री, ये कट गए, थ्री रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, रूट से रूट थ्री कट गया, कितना आ गया थ्री, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि अपन गलत डायरेक्शन में चले गए, ये वाला जो पोर्शन है अपने को करना ही नहीं था बेसिकली, अपने को सीधा अल्फा प्लस बीटा निकालना था, अल्फा इंटू बीटा निकालना था, ठीक है ना, छापो। हाँ चलो कोई बात नहीं, उधर का निश्चित। हेलो स्टार्ट करें, है ना। प्रॉब्लम नंबर टू क्या, एक्सरसाइज वन की जो मैंने डीपीपी दी है, जरा देखो। बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया सेकंड, आपके सबके पास है ना डीपीपी, सबके पास है ना, ठीक। तो आपसे पूछा गया है इसके रूट्स बताओ, है ना। तो हमने हमने यहां देखा ये क्या है, ए है, ये क्या है और ये क्या है। अगर हमने सम किया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, मुझे दिख रहा है जीरो। सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, बी से जीरो आ गया। जब ऐसी क्वाड्रेटिक आता है तो उसका एक रूट क्या होता है, वन, सिखाया था। तो ऐसी क्वाड्रेटिक है तो इसका एक रूट क्या होगा, वन। सो अल्फा इक्वल टू वन, एंड एक रूट क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, बोलो यही तो है, इसको ए माना बी माना सी माना, तो सी अपॉन ए। तो दूसरा रूट सी है कितना, अपॉन कौन सा ऑप्शन है, बॉम्बे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर थ्री जरा देखो, कह रहा है कि वन माइनस पी इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वन माइनस पी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी, तो वन माइनस पी इक्वल टू जीरो, कह रहा है एक रूट पता नहीं, पर एक रूट 100% क्या है, पी माइनस वन की वन माइनस पी, वन माइनस पी, ये क्वेश्चन दिया गया है आपसे। क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है, दोनों रूट बताओ बेसिकली। तो अपने को अगर पी की वैल्यू पता हो जाए तो एक रूट तो आ ही जाएगा, है ना। तो ये इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो वन माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी वन माइनस पी प्लस वन माइनस पी इक्वल टू जीरो, वन माइनस पी खींच लूँ कॉमन, तो वन माइनस पी खींच लिया, अंदर क्या बचा, वन माइनस पी यहाँ क्या बचा, पी यहाँ क्या बचा, वन इक्वल टू मधुरता, वन और वन टू, और टू कहाँ चला गया, जीरो में। तो वन माइनस पी इक्वल टू जीरो, सो पी इक्वल टू कितना, वन है कि नहीं। पी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कर दूँ, बोलो। पहली बात तो एक रूट क्या मिल गया, पी की वैल्यू वन है तो क्या मिल गया, जीरो, एक रूट तो जीरो हो गया ना,
ठीक है, अब पी की वैल्यू इसमें पुट करा दूं, करा रहा हूँ बेटा, सी भी जीरो आ रहा है। ठीक है, जब सी जीरो होता है तो अपने को पता ही एक रूट क्या होता है, जीरो होता है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे ये बताओ रूट का सम कितना है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि बीटा इसे माना अपन ने जो कि वन बाई पी दिया था, कितना आएगा सी अपोन ए, बोलो। तो अल्फा प्लस बीटा है कितना, एक तो अल्फा जीरो है या फिर अल्फा अल्फा है और बीटा कितना है जीरो, सी अपोन ए, सी कितना है वन माइनस पी अपोन ए कितना है, सो अल्फा बराबर ये सी अपोन ए क्या लिखा मैंने, माइनस बी अपोन ए, तुम देख नहीं रहे हो यार कोई, माइनस बी कितना है माइनस का पी अपोन ए, तो एक तो जीरो हो गया, माइनस बी कितना है एक रूट माइनस वन आ गया और एक क्या आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो जरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स सेक्स थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स सेक थीटा प्लस का इक्वल टू, हाँ तो एट ही तो लिखा है, एट सेक स्क्वायर थीटा माइनस सिक्स सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, कह रहा है नंबर ऑफ रूट बताओ। तो सेक थीटा अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है टी की पावर एक्स वाला वर्क किया था, इसको क्या मान लेते हैं टी, कुछ ना कुछ मान लेते हैं ना इसे, इसको क्या मान लिया, कोपचे में गए बाजू में बोला सेक थीटा आप बन जाओ क्या लेट, माना है इसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एट टी स्क्वायर माइनस का सिक्स टी बराबर जीरो। जब बी निगेटिव होता है तो दोनों रूट कैसे आते हैं पॉजिटिव, तुम पढ़ते नहीं हो यार, याद नहीं गया। तो कितना आएगा एट टी स्क्वायर माइनस का फोर टी माइनस का टू टी प्लस वन इक्वल टू, यहाँ से फोर टी कॉमन ले लें, हाँ तो बोल कितना बचेगा, टू टी माइनस वन, माइनस वन कॉमन ले ले तो टू टी माइनस इक्वल टू, सही है, तो एक ब्रैकेट में टू टी माइनस वन, दूसरे डब्बे में आ जाएगा फोर टी माइनस वन बराबर जीरो, या तो ये जीरो या ये जीरो, टी बराबर हाफ और टी बराबर वन फोर्थ, ठीक है। अब टी को माना गया था सेक थीटा, अच्छा मुझे सेक थीटा की रेंज बताओ पहले, सेक थीटा क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा, कौन था ये गधा, वन अपॉन कॉस थीटा, तो बेटा वन अपॉन कॉस थीटा, अच्छी बात है। सेक थीटा की जो रेंज होती है, सेक थीटा की जो रेंज होती है वो सब कुछ होती है पर माइनस वन से वन नहीं होती है, ध्यान है ना, मैंने लिखवाया है चिल्ला गला फाड़ फाड़ के बोला है मैंने, याद कर लेना भाई लोग। तो माइनस वन से वन के बीच में ही तो आंसर आ रहा है देख, तो क्या एक भी रूट होगा, नहीं होगा, जीरो रूट। भाई मैं क्या कह रहा हूँ ये तो अपने को याद रखने वाली बात है ना, लर्न बाय हार्ट, याद कर लो दिल से, ये सेक थीटा बराबर क्या है वन बाई टू और वन बाई फोर, क्या सेक थीटा का आंसर क्या आता है रियल नंबर में से, क्या नहीं आएगा माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू, क्या वन बाई फोर वन से छोटा है वन बाई टू भी है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा फाई, सॉरी हाँ वही थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा फाई, एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल तो हम क्या लिख देंगे नो सॉल्यूशन, लगता है गणपति बप्पा ज़्यादा ही तेज आ रहे, हो गया नोट कर लिया, बड़े आएंगे करो स्टार, अच्छा है पहले से ही कर दिए।
थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टेन ओवर थ्री। अरे तो ये भी तो आसान है, थ्री की पावर एक्स और इसको नीचे उतारो, वन अपॉन थ्री की पावर एक्स प्लस टेन ओवर थ्री। भाई तुम कुछ बच्चे तो रिप्लाई देते हैं। अच्छा अच्छा मुझे बताओ इसको क्या मान लें, टी बोले आओ इधर लेके आओ इन्हें, तो टी इक्वल टू थ्री की पावर एक्स, तो ये टी, ये वन बाई टी और ये टेन बाई थ्री कर रहा हूँ एक साथ देखना, ये टी स्क्वायर, ठीक है ये टी स्क्वायर, ये प्लस वन और ये थ्री टी स्क्वायर और ये माइनस का टेन टी इक्वल टू जीरो, सही है। बोलो बेटा ये टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी, टी उधर चला गया, टेन टी उधर से आया माइनस टेन टी और ये थ्री टी स्क्वायर और प्लस का थ्री, सही है। तो बेटा फैक्टराइजेशन करते हैं, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री टी स्क्वायर माइनस नाइन बन जाए नाइन, तो नाइन टी माइनस टी प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या करें, थ्री टी कॉमन ले लेते हैं, टी माइनस थ्री माइनस वन कॉमन ले लो, टी माइनस माइनस जीरो मतलब बराबर जीरो, फिर से टी माइनस थ्री खींच लो, तो टी माइनस थ्री और थ्री टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। द वैल्यू ऑफ टी इज बेसिकली थ्री वन बाई थ्री। बच्चों ठीक है, थ्री की पावर एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री की पावर एक्स इक्वल टू वन ओवर थ्री, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ गया वन, थ्री की पावर एक्स इक्वल टू थ्री की पावर माइनस वन, सो एक्स इक्वल टू माइनस वन। अपन इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने जो आपको एक्सरसाइज वन दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आपने क्वेश्चन जो है कितने हो गए, पांच प्रॉब्लम्स। कल एक काम करना, कल नहीं नेक्स्ट, जब भी, कल तो मैंने दे दिया कल के लिए, अगला होमवर्क इसमें जो है इस वाली सीट में, इसमें है सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी अपने को बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना होगा। ओके ओके देन, थैंक यू, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।